Hello and very very warm welcome once again to Time Video, sir. This is our lecture 1.4 of chapter Electricity. So in this lecture we will cover the topics Ohm's law, then we will cover resistance and resistivity, then we will come to know about the factors on which the resistance of a conductor depends upon. So here is, he is the great legend George Simon Ohm, and he has given the renowned ओम्स लॉ जो हम पढ़ेंगे. ओम्स लॉ इन्होंने ही बताया था, ठीक है. अभी देखो, ओम्स लॉ को समझने के लिए आप दो चीज कॉन्सिडर करो. एक सर्किट है हमारे पास, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. अभी ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, बट यू शुड फॉरगेट इट. अभी रेसिस्टेंस भूल जाओ, इसके साथ कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड है. सपोज मान लो कि एक सर्किट है जिसमें एक सेल से वायर लगा हुआ है, और वायर के साथ कोई रेसिस्टेंस है. जहाँ पे आप मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है. ओके, नाउ वी विल सी अ सिमुलेशन कि कैसे हम करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. अभी आप देखेंगे आपके सामने एक रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, एक रेसिस्टेंस नहीं, एक सेल लगाया है एक सर्किट में. और यहाँ जो सेल है, इस सेल का अभी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने 0.1 वोल्ट लिया है. ओके, और इसमें करंट अभी फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर. तो ये एक बेसिक सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो सेल का लगा हुआ है वो 0.1 वोल्ट है, और करंट अभी 10 एम्पियर है. ओके, तो अभी करंट हम किस चीज से मेजर करते हैं, एमीटर से. सपोज मान लो सर्किट में एमीटर लगा हुआ होगा, और एमीटर से हम करंट देख रहे हैं कि 10 मिली एम्पियर का करंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा 0.1 वोल्ट है. अभी आप रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे कि इसके पास रेसिस्टेंस है कुछ, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे 0.1 वोल्ट से 0.2 वोल्ट करेंगे. देखो 0.2 वोल्ट जैसे ही किया, करंट आप देखेंगे 20 मिली एम्पियर हो गया, और ये जो करंट का सिंबल आए हैं आप देखेंगे इसका साइज भी बढ़ने लगेगा. ओके, फिर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाते हैं. 0.3 वोल्ट किया, 0.3 वोल्ट करेंगे तो देखो क्या हो गया, 0.3 वोल्ट में 30 मिली एम्पियर हो गया. 0.4 करते हैं तो 40 मिली एम्पियर हो गया. और बढ़ाते हैं, 0.5 वोल्ट करते हैं तो 50 मिली एम्पियर हो गया. 0.6 वोल्ट करते हैं तो 60 मिली एम्पियर हो गया. 0.8 वोल्ट 80 मिली एम्पियर, 0.9 वोल्ट 90 मिली एम्पियर, 1 वोल्ट पे 100 मिली एम्पियर. जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे आप करंट देखेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उसी रफ्तार से करंट भी हमारा बढ़ता जा रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है. एंड जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को अब घटाना शुरू कर देंगे, ठीक है. 9 वोल्ट पे 900 मिली एम्पियर करंट हो गया हमारा. अब क्या करते हैं, करंट पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना शुरू करते हैं. कम करेंगे तो आप देखेंगे करंट भी रिड्यूस होते जा रहा है. 6.8 वोल्ट 680 मिली एम्पियर, 6.5 वोल्ट 650 मिली एम्पियर. और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जा रहा है, वी घट रहा है, आई घट रहा है, वी घट रहा है, आई घट रहा है. ऑब्जर्व करो, वी घट रहा है, आई घट रहा है, आई का साइज देखो छोटा हो रहा है. वी का साइज जो है वो भी छोटा हो रहा है, वी भी छोटा हो रहा है, आई भी छोटा हो रहा है. और इनिशियली फिर से हमने क्या किया, इसके स्टार्टिंग में लाके रख दिया. 0.1 वोल्ट था तो करंट कितना था, 10 मिली एम्पीयर. पर फिर से आप ऑब्जर्व करिए, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है. पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है. सो इससे हम एक ऑब्जर्वेशन ये ले सकते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा रिलेशन है. कि अगर करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बीच का जो, अगर आप देखो जैसे अभी 0.1 वोल्ट का एक बैटरी है, ठीक है, इसको बढ़ा के हम क्या करते हैं, 0.6 वोल्ट का मान लो 1 वोल्ट का एक सेल लगाया. अब इसके बाद क्या करते हैं, और इसको बढ़ाते चलते हैं. जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे करंट हमारा बढ़ते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है. इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे, करंट भी बढ़ रहा है. तो बढ़ा हम क्या सकते हैं, करंट डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं. करंट बढ़ाना होगा हमको, बढ़ा के क्या, पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट अपने बढ़ता जाएगा. ओके, तो यहाँ से हम क्या कॉन्सिडरेशन निकाल सकते हैं. चलो नाउ वी कैन सी, लेट अस सी द रिलेशनशिप, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है. ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट आई फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. मान लेते हैं जैसे हमने बताया कि एक वो एक सर्किट है कोई, उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी कनेक्ट किया है, और इसमें कोई लोड लगा होगा. मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अभी, अगर आई, ठीक है, इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स गिवन मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा बढ़ते जा रहा है. सो दिस इज द बेसिक लॉ गिवन बाय ओम्स.
है, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर हाँ इसमें कंडीशन ये है कि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर हम क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे उस कंडीशन में, आर और टी रेसिस्टेंस और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। रेसिस्टेंस मतलब एक जो मेटेलिक वायर जो भी आपने लिया, अब ये नहीं कि आप वायर एक बार ले रहे हो कॉपर का, फिर उसके बाद सिल्वर लगा दिया, फिर एल्यूमिनियम लगा दिया, फिर आयरन लगा दिया, रेसिस्टेंस आप उसका चेंज नहीं करोगे, मतलब मटेरियल वायर का नहीं चेंज होना चाहिए, सेम वायर होना चाहिए और टेम्परेचर उस जगह का सेम होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इंक्रीज करोगे करेंट भी इंक्रीज करने लगेगा, जैसे हमने सिमुलेशन में देखा है। सो दिस इज द बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, एक ऐसा कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं आर को, सो वी इज इक्वल टू आर आई, इसको सुंदर बनाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, ओके आर आई भी लिख सकते हो लेकिन वी इक्वल टू आई आर लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पे जो ये आर हमने नया टर्म कांस्टेंट के लिए यूज किया है, व्हाट इज दिस आर, दिस आर इज नोन एज रेसिस्टेंस, इस आर को ही कहते हैं रेसिस्टेंस, ओके। अब हम देखेंगे ये भी कैसे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी समझने का कोशिश करते हैं रेसिस्टेंस को। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को थोड़ा सा लार्ज व्यू में देखने का कोशिश करते हैं। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से करंट होता है, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो बस इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि सीधा फ्लो कर रहा है, उसको एकदम स्मूथ रास्ता मिला हुआ है, आराम से वो फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में उसके रास्ते में उसके वे में भी उसको रुकावट मिलती है, उसको अवरोध मिलता है, एंड दैट अवरोध इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। उसको जो रुकावट मिलेगा उसके रास्ते में उसी रुकावट को रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि सपोज कुछ करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करने लगेगा तो इसके आसपास और भी अलग अगल बगल के जो नाइबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ क्या होगा, उसका कोलिजन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन होगा, धक्का करेगा, तो धक्का होगा तो फिर क्या होगा, उसका जो अपना करेंट का इम्पैक्ट है यानी कि जो उसका फ्लो है वो फ्लो में कमी आएगा, तो मतलब उसका फ्लो जो है फ्लो विल गेट रेसिस्टेड, या फ्लो में रुकावट आ जाएगा, फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट होगा। देखो ये ठीक वैसा ही है कि एक मान लो रोड है, ठीक है ना, इस रोड को आप समझो कि ये वायर है और इस रोड पे व्हीकिल सब चल रहा है और सारा व्हीकिल सब इलेक्ट्रॉन्स है, और आप करंट समझते हो कि अगर व्हीकिल सब ज्यादा तेज से जा रहा है, व्हीकिल के फ्लो को करंट आप कहते हो। अब सोचो इमेजिन करो कि अगर इस रोड पे बहुत सारा व्हीकिल होगा और सारा व्हीकिल तेजी से चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, ट्रैफिक लगेगा ना, तो ट्रैफिक जो लगेगा फिर क्यों लगेगा, क्योंकि इसके आगे भी गाड़ी है, ये आगे जा रहा है, फिर दूसरे गाड़ी के कारण रुकेगा, वो ब्रेक लगाया उसके पीछे वो रुका, फिर इधर वो घुमा फिर उधर घूम गया, मान लो इस तरीके से जो भी ट्रैफिक फंसता है कहीं भी आप देखते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ट्रैफिक है यहाँ पे, ट्रैफिक क्या करता है, ट्रैफिक आपको एक हर्डल क्रिएट करता है इसके लिए, आपके फ्लो के लिए, रोड में जो आपका स्पीड है, रोड का जो फ्लो है, गाड़ी का फ्लो है, स्लो को रोकता है। सिमिलरली रेसिस्टेंस ऑल्सो काउज, रेसिस्टेंस इज सिमिलर एज ट्रैफिक, ये क्या करता है बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या करता है, ट्रैफिक क्रिएट करता है करंट के फ्लो को, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। आई होप रेसिस्टेंस समझ में आया होगा। और असल में रेसिस्टेंस बढ़ता कैसे या काम कैसे करता है, ये होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन होता है, कोलिजन बिटवीन रेसिस्टेंस जब होगा तो कहेंगे कि रेसिस्टेंस, और अगर ज्यादा कोलिजन होने लगेगा, ज्यादा टकराव होगा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी तरीके से मान लो अगर बहुत ज्यादा गाड़ी दूसरे गाड़ी के साथ टकराना शुरू कर दे तो क्या होगा, जाम ज्यादा लगेगा, ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, मोशन जो है, फ्लो जो है गाड़ी सबका वो रुक जाएगा, वो कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट रेसिस्टेंस वर्क। सो क्वांटिटेटिवली रेसिस्टेंस इज, जैसे देखो वी इज इक्वल टू हम आई आर लिखते हैं ना, तो इसको रेसिस्टेंस एज ए क्वांटिटी टर्म में हम देखें तो रेसिस्टेंस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल पर यूनिट करंट, पोटेंशियल बाय करंट, ठीक है, वी बाय आई। तो इसका अगर हम यूनिट का बात करेंगे, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा पोटेंशियल का होता है वोल्ट, ये एम्पियर, तो इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ओके, वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। अब देखो रेसिस्टेंस जैसे आप समझो कि अगर आपके पास कंडक्टर है, ये हमने कहा ये है सिल्वर, ठीक है, ये लिया, ये है मान लो कॉपर, ठीक है, ये है आयरन, ये है आयरन।
अगर सब में आप करंट फ्लो करो, ठीक है, सब में सेम अमाउंट का करंट आपने, या सब में सेम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया, ठीक है, यहाँ भी 5 वोल्ट लगाया, इसके साथ ही 5 वोल्ट लगाया, इसके साथ ही 5 वोल्ट लगाया, और अब आप देखेंगे कि इसमें जो करंट होगा, मान लेते हैं I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, आप देखेंगे कि I1 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, मतलब कि सिल्वर में ज्यादा करंट फ्लो करता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, कॉपर में उससे कम करता है, और आयरन में इन तीनों में सबसे कम करता है। तो इसलिए इसे रिलेशन क्या निकलता है, इसे निकलता है ये कि आप सीधा अगर इसको रोड से कंपेयर करो, मान लो अगर गाड़ी का गति चलने का जो है सब, मतलब 50 गाड़ी, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 50 गाड़ी को हम सपोज करो एक बहुत पतली सी गली है उसमें चलाते हैं, 50 गाड़ी को एक हम हाईवे पे शॉर्ट स्ट्रेट हाईवे पे चलाते हैं, और 50 गाड़ी को हम एनएच के ऊपर चलाते हैं। तो आप ही बताओ कि किसमें फ्लो ज्यादा होगा, गाड़ी का मूवमेंट जो होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, भीड़ कम लग रहा है, ट्रैफिक कम लग रहा है, उसमें ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है, इसमें फ्लो यहाँ पे कम होगा। तो करंट यहाँ पे कम होने का मतलब ये है कि इसमें ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा होगा, इसमें रेसिस्टेंस जो होगा मान लेते हैं R3 वो ज्यादा होगा यहाँ पे, सपोज इसे मान लेते हैं रेसिस्टेंस R2, इसे मान लेते हैं रेसिस्टेंस R1, तो सबसे कम रेसिस्टेंस किसमें होगा, सिल्वर में। सो यू कैन सी दैट रेसिस्टेंस इसका सॉरी कम, सबसे कम होगा R2, सबसे ज्यादा होगा किसका, R3 का, मतलब रेसिस्टेंस आयरन का सबसे ज्यादा है, इसलिए करंट इसमें सबसे कम है। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है एक बात की, अगर रेसिस्टेंस जिसका ज्यादा है वो क्या कर रहा है, वो करंट को कम पास करने दे रहा है, ठीक है। हायर द रेसिस्टेंस, हायर रेसिस्टेंस लोअर करंट, ओके, हायर रेसिस्टेंस लोअर करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे V इक्वल टू, अगर IR हम लिखते हैं तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाय I। अगर मान लो V को कांस्टेंट कर दे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ना I, यानी का मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट घटेगा, या करंट बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, ठीक है। सेम इसमें देखेंगे इस तरीके से, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, रेसिस्टेंस सबका चेंज किया है, तो करंट आप देख रहे हो क्या हो रहा है, करंट घटता जा रहा है, रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट हमारा रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसा कंडक्टर, अब देखो ये सब तो कंडक्टर ही है, कॉपर भी कंडक्टर, सिल्वर भी कंडक्टर, आयरन भी कंडक्टर, दिस ऑल आर कंडक्टर। तो ऐसा कंडक्टर जो कि इजिली, बहुत ही ज्यादा इजिली फ्लो करे इसमें करंट, या करंट का फ्लो उसमें ज्यादा हो, जिसका रेसिस्टेंस कम हो, तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर बोलते हैं। अब ये गुड कंडक्टर जो है, ये इसका अपना एक रिलेशन है कि बाकी सबके साथ ही सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा कंडक्टर होगा, उससे कम कौन होगा। जैसे मैंने अभी ये क्रोनोलॉजी बताया, सिल्वर को सबसे बेहतर कंडक्टर माना जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि सिल्वर काफी महंगा आता है, कि सिल्वर का हम वायरिंग करें या अपने घर में जो तार लगता है उसमें सिल्वर का वायर लगाए, ठीक है। सो सिल्वर को अगर साइड कर दे तो कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन आता है, और आप इसके बाद देखेंगे रेसिस्टिविटी एक कम होता है, जिसके जब हम फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है उसके बाद रेसिस्टिविटी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अब मैं एक उसी सिमुलेशन पे फिर से वापस जाता हूँ, इस बार मैं क्या करूंगा, करंट पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखूंगा और करंट को वैरी करा के देखूंगा। ओके, अब क्या करना है हमें, अब देखो रेसिस्टेंस को हमें चेंज कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस चलो मान लेते हैं हमने 0.1 वोल्ट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट फिक्स है, तो आप करंट देखेंगे इसमें, यहाँ पे काम करो, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट पे आप करंट देखेंगे 10 मिली एम्पियर है, थोड़ा और बना देते हैं इसको 0.5 वोल्ट कर देते हैं, ठीक, हाँ अब ठीक, 0.5 वोल्ट कर देते हैं, और करंट कितना हमारा 50 मिली एम्पियर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द रेसिस्टेंस, अब इसके रेसिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे। आप देखना इसमें जब ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप देखो ये जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ाऊंगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रेसिस्टेंस 10 ओम से हमने कर दिया, मान लो 10 ओम से या 15 ओम, अब देखो 15 ओम किया, करंट क्या हो गया, घटा या बढ़ा, करंट घटने लगा। रेसिस्टेंस को 20 ओम कर दिया, करंट और घट गया। रेसिस्टेंस को और बढ़ा के 50 ओम कर दिया, देखो करंट और घट गया। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट और घट रहा है। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, करंट बहुत ही कम हो गया। इसका मतलब ये है ना कि देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो गया, डेंसिटी ज्यादा होने लगा यहाँ पे। अब ये ट्रैफिक ज्यादा लगने लगा ना, तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत होगा, ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस कम करेंगे। तो देखो ट्रैफिक क्लियर, करंट ज्यादा फ्लो करने लगा, ट्रैफिक क्लियर, करंट बहुत आने लगा, फिर से ट्रैफिक लगाया, फिर से करंट कम हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको रेसिस्टेंस और करंट के बीच का क्या रिलेशन है, कैसे रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट हमारा किस तरीके से कम या ज्यादा होता है। चलो हम बात करते हैं कि किस
किस किस फैक्टर के ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें एक दो चीज क्या कॉन्सिडर करना है कि आप अगर बेसिक फैक्टर देखोगे किसी, अगर मान लो मटेरियल, इस बार हम क्या कर रहे हैं, दो चीज कॉन्स्टेंट मानेंगे, मटेरियल जो हम लेंगे वायर का मटेरियल सेम रखेंगे इस कंडीशन में। उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और किसी सर्किट का जो भी एंड आई जो होगा वो, मतलब मान लो अभी कोई हमारे पास ये एक एल लेंथ का एक कंडक्टर है, इसका लेंथ हमने लिया है एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसिडर किया है ए। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये मान लो कोई भी वायर जो होगा उस वायर का नेचर क्या, सिलिंड्रिकल नेचर का होगा ना, तो सिलिंड्रिकल वायर होगा तो इसका ये जो वाला जो पोर्शन होगा ना, ये सिलेंडर वाला पोर्शन इस साइड का, ये इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे, ठीक है ए। तो इस दो कंडीशन को हम वैरी कराएंगे और इन दोनों कंडीशन पे देखेंगे रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी वी वोल्ट के बैटरी के साथ मान लो जोड़ देंगे और करंट को मेजर करते रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, उतना एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे नहीं अभी, सीधा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगर रेसिस्टेंस के साथ रिलेशन हम लेंथ का देखते हैं, लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाता है, सपोज लेंथ को हमने क्या किया अभी एल के जगह पे, एल से लेंथ को 2L कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें जो था करंट जो था इसका करंट वो हो गया कम, मतलब कि रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, लेंथ को और बढ़ा कर दिया, ठीक है। सेम वायर का लेंथ को एल से 2L से 3L 4L 5L कर दिया, उसके बाद देखा कि करंट जो है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, इसका मतलब कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो वी कैन से दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, उसके बाद रेसिस्टेंस अभी एल को क्या करते हैं, हम मान लो फिक्स रखते हैं, अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एरिया ए को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, ए से 2A कर देते हैं। जैसे एरिया हम बढ़ाते हैं आप देखोगे करंट भी बढ़ने लगता है, एरिया को 3A कर दिया करंट और बढ़ने लगा, एरिया को 4A कर दिया करंट और बढ़ने लगा, अब एरिया को कम करना शुरू कर देता है। अगर एरिया को कम किया A/2 किया, ओके, तो करंट क्या हो गया हमारा कम होने लगा, करंट एरिया को और छोटा किया करंट और कम होने और ज्यादा, मतलब ये जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया को अगर बढ़ाया था तो करंट बढ़ा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस घटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे करंट अगर घट रहा है हमारा तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो रहा है, रेसिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया से के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आप देखो यहाँ पे ऐसे कंसिडर करो कि लेंथ अगर बढ़ता है यहाँ पे, तो करंट जो होगा वो करंट 1/I ऐसे करके देखो, करंट क्योंकि लेंथ बढ़ा होगा तो करंट हमारा घट रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ाने पे सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या रिलेशन निकल रहा है, करंट का, करंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, ये आई के साथ। अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है मतलब रेसिस्टेंस घट रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट घट रहा है तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा होगा। ओके, तो सिमिलर ये दो रिलेशन जो बेसिक हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज हम करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो मटेरियल सेम लिया है, इस मटेरियल को भी अब चेंज करके देखो, अगर सेम लेंथ या सेम ये क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अगर हम मटेरियल भी बदल के देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी रेसिस्टेंस का चेंजिंग आता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने सिल्वर लगाया, ये पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था सिल्वर लगाया, फिर उसके बाद हमने कॉपर लगाया, उसके बाद हमने आयरन लगाया, ठीक है, एल्यूमिनियम लगाया, तो जैसे ही इसके मटेरियल को बदला हमने देखा कि रेसिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सिल्वर का रेसिस्टेंस हमने देखा था सबसे कम था, ऐसे करके रेसिस्टेंस बढ़ने लगा था। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं आगे, अभी अभी फिलहाल इन दोनों से एक रिलेशन निकालते हैं, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रिलेशन हमें मिलेगा डायरेक्टली आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एंड इसे हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू, अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हम रो एज्यूम करते हैं, रो इंटू एल बाई ए, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम ये जो टर्म नया हमने कॉन्सिडर किया है रो, दिस रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी, इस रो को हम कहते हैं, ये जो रो हमने कॉन्सिडर किया है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, इसे कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है और रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, देखो अभी हमने बात किया ना कि बहुत सारा अलग अलग एलिमेंट लिया था, कंडक्टर लिया था, सिल्वर लिया था, कॉपर लिया था, है ना,
कॉपर लिया था, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम लिया या आयरन लिया। ओके, तो इन सब मटेरियल में आपने देखा कि बाकी सब कुछ को अगर सेम रखा था तो मटेरियल के चेंज होने से रेसिस्टेंस में बदलाव हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये इन सारे मटेरियल्स का अपना कुछ इनहेरेंट या इसका अपना कुछ जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, जो कि रेसिस्टेंस स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। अब इन सबका अपना अपना कुछ एक स्पेशल रेसिस्टेंस है कि सिल्वर का अगर इतना बड़ा वायर लोगे तो उसका किसी भी कंडीशन में रेसिस्टेंस एक फिक्स होगा, ठीक है। और इतना ही बड़ा अगर आप सेम वायर अगर कॉपर का लेते हो तो फिर इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इतना ही बड़ा सेम वायर अगर आप लेते हो सिल्वर का, सॉरी आयरन का लेते हो या एल्यूमिनियम का लेते हो, तो उसका फिर रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ रेसिस्टेंस है ना, इसे हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, यही रेसिस्टिविटी होता है। ओके, सो रेसिस्टिविटी यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ रेसिस्टिविटी का अगर हम क्वांटिटेटिवली निकाले इसका क्वांटिटी के टर्म में, तो ये हो जाएगा आर ए बाय एल। ओके, सो यूनिट अगर देखोगे रेजिस्टेंस एज ए क्वांटिटी, तो इसका यूनिट हो जाता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल, तो यूनिट विल बी ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो हमने क्या समझा कि रेसिस्टिविटी एक ऐसा टर्म है दैट इज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब ये पर्टिकुलर किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल्स प्रॉपर्टी है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि फिक्स मटेरियल के लिए वो चीज फिक्स होगा। देखो अब जैसे हमने बात किया ना सिल्वर का, ठीक है, तो सिल्वर के का जैसे इतना बड़ा मान लो लिया कोई कंडा कोई रेसिस्टर, ठीक है, सिल्वर का बना हुआ और इतना बड़ा लिया। अब ये दोनों में अब रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा, लेकिन एक चीज जो है जो इसके मटेरियल के साथ बन किया है, जो इसका अपना स्वभाव है, वो सेम रहेगा, जिसे हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, लेकिन रेसिस्टेंस अब बदल जाएगा दोनों का, क्योंकि इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस ऑब्वियसली है कि बढ़ेगा। अगर सेम मटेरियल का इतना ही बड़ा का अगर लेंथ हम बड़ा कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा, या रेसिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। या अगर अलग ही हम कोई इतना बड़ा सिल्वर लेते हैं तो इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका सबका रेसिस्टेंस अलग होगा, लेकिन एक चीज जो कॉमन होगा उसमें वो उसका नेचर होगा, वो उसका नेचर कॉमन होगा। नेचर कहने का मतलब उस स्पेसिफिक मटेरियल का जो नेचर होगा दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, दिस इज द रेसिस्टिविटी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा जो भी एलिमेंट्स होता है जैसे सिल्वर या कंडक्टर्स में आपने देखा कॉपर देखा, इन सब का रेसिस्टिविटी सीरीज कैसा है, कैसे वैरी करता है। तो आप देखो ये एनसीईआरटी का टेबल 12.2 है, इसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दिखाया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी को लिया गया है, का मेजर किया गया, ठीक है। रेसिस्टिविटी भी देखो ऐसा नहीं कि रेसिस्टिविटी मेन अगर टेम्परेचर को चेंज करा दे तो रेसिस्टिविटी में भी बदलाव आ सकता है, उसके नेचर में बदलाव आ सकता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे वो मटेरियल का जो अपना स्पेसिफिक स्वभाव है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स में हम देखेंगे सिल्वर से लेकर मैंगनीज तक, ये सब बेसिकली मटेरियल जो भी है कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर के तौर पे देखे जाते हैं। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। आप देखिए सिल्वर में से मैग्नीज तक जैसे जैसे आप बढ़ेंगे रेसिस्टिविटी का पावर तो चलो हम यहाँ तक सेम रखते हैं 10^-8 सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे मैग्नीट्यूड वैल्यू 1.60, 1.62 ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब रेसिस्टिविटी ऊपर से नीचे जब आ रहा है सीरीज में वो इंक्रीज कर रहा है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे एक और टर्म समझ लो, कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी क्या करता है, किसी भी चीज को रोकने का अगर काम करता है तो कंडक्टिविटी किसी को बढ़ाने का काम करेगा, द इज ऑफ फ्लो, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये रेसिस्टिविटी जैसे बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में तो कंडक्टिविटी घट रहा होगा, ठीक है, और जैसे ऊपर जाओगे तो रेसिस्टिविटी आपका घटेगा, तो मतलब कंडक्टिविटी ऊपर जाओगे तो कंडक्टिविटी, यहाँ पर रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है कम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऊपर से नीचे आ रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी हमारा बढ़ते जा रहा है तो कंडक्टिविटी घटते जाएगा, ठीक है, और जैसे ऊपर जाओगे रेसिस्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे से ऊपर जाने तो रेसिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से रखना। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू 1/ रेसिस्टिविटी, ठीक है, ये कंडक्टिविटी होता है। तो देखो जैसे निकल का है या कॉपर, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम में आप देखेंगे जैसे सिल्वर सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे आएंगे आप मैग्नीज देखेंगे, मैग्नीज इज द बेसिकली इन सब में सबसे नीचे है इसका रेसिस्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद एलॉयज का बात करते हैं, देखो एलॉयज क्या होता है, एलॉयज ऐसा मटेरियल है जो दो या दो से अधिक
एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कॉन्स्टेंटन जो होता है वो कॉपर और निकेल का एलॉय होता है। उसके बाद मैग्नीनिन जो है कॉपर मैग्नीज और निकेल तीन एलिमेंट को मिला के इसका एलॉय बनाते हैं। और नाइक्रोम में निकेल क्रोमियम मैग्नीशियम और आयरन ये सब चार एलिमेंट मिला के नाइक्रोम बनाते हैं। नाइक्रोम आपने सुना होगा, नाइक्रोम वर्ड जो है हीटर वगैरह में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है, या फिर जो हीटिंग एलिमेंट सब होता है किसी किसी कंडक्टर का, किसी किसी डिवाइस का, अप्लायंसेस का, उसमें यूज किया जाता है, जो गर्म करने के लिए काम आता है, पानी वाले गर्म, वाटर हीटर सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो इन सब का जो अगर कंपेरेटिवली इस सबसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे अगर इनका रेसिस्टिविटी, तो ये काफी ज्यादा है इन सब के तुलना में। ठीक है, तो इसका रेसिस्टिविटी बढ़ने का रीजन ये है कि ये एलॉयज हैं और ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, दो से अधिक। तो इनका देखो कॉपर का और निकेल का क्या होगा, कॉपर निकेल, अब इन दोनों का रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है कि इसमें मिल रहा है, तो इसका रेसिस्टिविटी तो है ऑब्वियसली, दोनों का नेचर अगर ऐड हो रहा है तो इसका नेचर और स्ट्रांग हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो इसका और बढ़ जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें जो चार चार एलिमेंट को का एलॉय कर दिया, तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद कुछ मटेरियल जैसे इंसुलेटर्स जो होते हैं, जिनका रेसिस्टिविटी तो काफी ज्यादा हाई ऑर्डर में होता है, 10 to the power 12, 10 से लेके 10 to the power 12 तक, किसी का तो 10 to the power 15 से 10 to the power 17 भी होता है। ठीक है, जैसे सबसे खराब ड्राई पेपर जो होता है, जैसे वर्स्ट इंसुलेटर, तो ये सब क्या करता है, ये सब तो एकदम ही करंट को पास नहीं करने देगा, क्योंकि इतना ज्यादा डेंसिटी और इतना ज्यादा हाई ट्रैफिक हुआ इसके अंदर में कि एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। ओके, तो आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल 12.3। ठीक है, ये आप करना सॉल्व इसको, मैं इसका इंडेक्स क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाऊंगा अभी। बाकी जो क्वेश्चन जैसे 12.3, 12.4, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप घर पे इसको खुद से करें, वीडियो देखने के बाद सॉल्व करें, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, जितना पढ़ा है उसी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये पांच क्वेश्चन है, फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस किस चीज पर डिपेंड करता है, हमने देखा रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट यू हैव नॉट टू मेंशन हियर, उसको हमारे टेक्स्ट में नहीं है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। बेसिकली हम इन दो फैक्टर को बताएंगे, और एक और चीज तीसरा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। पहला क्लियर है तो खुद से कर लेना। सेकेंड, विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर, मोटे तार और पतले तार, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया किसी का कम किसी का ज्यादा, क्लियर है ना। रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या है, देखो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो थिकनेस अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, थिकनेस बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो जो ज्यादा मोटा तार होगा, ठीक है, सेम मटेरियल का, वो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, जो कम पर मोटा तार होगा या पतला तार होगा उसमें करंट ज्यादा कम फ्लो करेगा, और मोटा तार में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मोटे तार का क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका उसको घटाते हैं, सो वी इज डिक्रीजिंग, ओके, एंड उसको आधा कर देते हैं तो करंट कितना होगा, चलो हम फटाफट देख लेते हैं उस सिमुलेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0.4 वोल्ट है तो करंट कितना कैरी कर रहा है ये कंडक्टर, 40 mA। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर देते हैं, 0.4 वोल्ट से 0.2 वोल्ट करते हैं, तो अब देखो करंट कितना हो गया, 10 mA, तो कितना घटा, जब 4 था तो 40, 2 है तो 20, मतलब जितना गुना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा उतना ही गुना करंट चेंज होगा। ठीक है, तो करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आधा हो रहा है तो करंट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाई आर द क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर आयरन, ये सब एलॉय के बने होते हैं ना कि प्योर मेटल से। अभी हमने देखा था कि एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है, आप देखेंगे रेसिस्टिविटी सीरीज में, एलॉय का रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स के रेसिस्टिविटी से काफी ज्यादा होता है इसीलिए। और देखो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलिजन करना शुरू कर देगा, करंट कितना ज्यादा भी दो करंट ज्यादा होगा तो और ज्यादा कोलिजन होने लगेगा उसमें। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है, कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, थर्मल इफेक्ट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन कोलाइड करेंगे तो थर्मल इफेक्ट क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होने लगेगा इसीलिए। और इलेक्ट्रिकल टोस्टर और आयरन सब का क्या काम है, हीट बनाना ना, हीट करना, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो डाटा है टेबल 12.2, उसके हिसाब से तुम देख लो, अब डाटा देखो और उसके बाद पता करो कि आयरन और मरकरी में बेटर कौन है। ऑब्वियसली आयरन इज
बेटर देन मरकरी, ठीक है। उसके बाद विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, अगर रेसिस्टिविटी सीरीज के हिसाब से बात करें तो सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, जब एक से ज्यादा सीरीज सर्किट में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तब तक के लिए आप जो एग्जांपल्स मैंने छोड़ के रखा वो एनसीईआरटी बुक का, वो एग्जांपल्स आप कर लेंगे और टेक्स्ट का क्वेश्चंस ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। और भी दूसरे बुक से आप क्वेश्चंस बनाइए रेसिस्टेंस के ऊपर, पोटेंशियल, ओम्स लॉ से रिलेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़े अच्छे से, एंड Thanks for watching. God bless you.